जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है जम के बोलो जरा? कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्त्रोत का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होगा। करो। एक इतना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे, और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला, और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी, और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी, और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हाई ग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर चार छह महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा, भीगण गा। ये सोने की तो भगवान की लीला है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल हर घड़ी हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, भरा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा, वो संशय कौन सा? क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था, क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले, हाँ। चला रहे। संशय मिटा दो। भगवान ने कहा, कौन सा संशय? मुझे थोड़ी सी परीक्षा। अभी तक नारायण भगवान करवट लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं,
परीक्षा आपको लेना है? हाँ, लक्ष्मी विचार कर लेना, लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिवजी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन, पूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिवजी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए। क्या हाँ होता है? आपको हम अपने जीवन में उतारे कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है? बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है, उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करें। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, एक पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा। उतना भी हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है, अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर ले तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु, कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं, कोई चार संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा, आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो, एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दें तो। शिवजी ने पूछा, क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा, शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूँ, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने पांच चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया।
भरकर भर करा। शिवजी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी ने भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन करकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और पांच चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिवजी मुस्कुरा कर बोले, अरे ओ लक्ष्मी, कौन कहता है कि पांच चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर कर रखी। पांच चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये तीन उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो, पहले विचार करो फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, भोलेनाथ इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिवजी ने कहा, लक्ष्मी तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नम्र करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था, वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज वो चावल जो चीटियों ने ग्रहण किया बस चीटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है, क्षमा चाहती हूं, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए, अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार कर, स्वीकार करते। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे
आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख प्राप्त। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दीप दान जरूर से करें। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।